बिना मार खाए पड़ूंगा। वो अगले हफ्ते ज्वाइन करेगा, कोई फॉर्मेलिटीज हो तो पूरी कर दीजिएगा। थैंक यू। हे, तुम यहाँ हो? ये उषा, माय फ्रेंड, और ये अभी। हाय। वही रॉकस्टार ना, गेटअप देखकर ही सेट हो गई थी क्या? माया, कल संडे है ना, तुम्हारा कोई प्लान? ओह, कल संडे है। देखा बॉस, इसकी दुनिया हम सबसे अलग है। कोई पार्टी होगी तो बताना, मुझे पार्टीज में एंजॉय करना बहुत पसंद है। मुझे पार्टीज इतनी पसंद नहीं। अच्छा, तो तुम्हें क्या क्या पसंद है रॉकस्टार? आई हैव अ म्यूजिक बैंड, हम साथ में चिल करते हैं। बैंड बजाते हो? मुझे लगा सिर्फ तुम दोनों ही गाते बजाते हो। हाँ, आई। ओके देन, बाय। माया, अगर कल फ्री हो तो आकर बैंड देख लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो ये है मेरे दोस्त, ये सिरी, जॉन, शशांक और सवन। हाय। ये माया है, कहा था ना एक लड़की ने गाड़ी से उड़ाया था, यही है। ऐसे कोई दोस्तों से मिलवाता है क्या? अच्छा बताओ, तुम्हें सिर्फ म्यूजिक सुनना पसंद है या? हाँ, गाना भी पसंद है। मैंने गीता सुब्रमण्यम जी के यहाँ गाने की ट्रेनिंग ली थी। मैं सिर्फ ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो पार्टीज में जाती है। लाइफ में पहली बार तुम जैसी लड़की से मिल रहा हूँ। यू वांट टू सिंग? फिर किसी दिन ट्राई करें। मैं चलती हूँ, मेरा टाइम हो गया। बहुत ही खूबसूरत जगह है। थैंक्स, जब भी मन करे आ जाना। बाय बाय। मुझे वो जगह इतनी अच्छी लगी, मन किया वहीं रुक जाऊं। आज के बाद जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा या मेरा मन करेगा, मैं वहां जरूर जाऊंगी। हेलो। हाँ डैडी। बोल भाई। मैं फोन करने ही वाला था, सोचा तू कहीं बिजी होगा। अबे मैं बिजी था इसलिए फोन नहीं किया, या खुद ही कहीं बिजी था? ए, चल लड़की का नाम बोल। ओह, तो साई ने तुझे भी बता दिया? अबे फाफड़े के पेट में कोई बात रहती है क्या? चल बता। वो सिर्फ दोस्त है। मुझे प्यार की बू आ रही है। हे, सच में ऐसा कुछ नहीं है, होता तो सबसे पहले तुझे ही बताता। वो सब छोड़, वहाँ पर सब कैसा है? हाँ यार, सब ठीक तो है, पर तू साथ में नहीं है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ए मासो, आजा यार। आ रहा, आ रहा। चल यार, अब रखता हूँ वरना रो दूंगा। ठीक। क्या हम मिल सकते हैं? हाय। हाय, सॉरी इस वक्त तुम्हें जरूरत टाइम देखकर नहीं आती। बोलो क्या हुआ? डैड ने कॉल किया था, वो कल आ रहे हैं। उन्हें हमारे बारे में पता चला तो मुझे वापस घर ले जाएंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी उन्हें हमारे बारे में बताने की जरूरत क्या थी? ओह सॉरी, दरअसल मैं कार की बात कर रही थी। ये कार है या कोई टूटा हुआ खिलौना? मतलब काफी पुराना मॉडल है ना? डैडी को नौकरी लगने के बाद से अब तक ये उनकी फर्स्ट कार है। तुम्हारे डैड का तो पता नहीं, पर कंपनी की बेची हुई फर्स्ट कार जरूर है। प्लीज, अभी डैडी को कार की ये हालत बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ करो ना। हे, मैं क्या करूंगा? अगर ऑनलाइन सर्च करूं तो भी इसके सिर्फ फोटोज ही मिलेंगे, स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल है। इस खटारा का कुछ नहीं होगा। अब जब इतने प्यार से कह रही हूँ, फिर भी तुम क्यों नहीं करना चाहते? हाँ, टेंशन मत लो सिस्टर, यहाँ टॉपिक कुछ और है, प्लीज। तो बदल दो। किसने कहा था तुम्हें उस वक्त मेरी गाड़ी के सामने आने के लिए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
मेरी वजह से। इसे ठीक करना। कार के पीछे भी। हे, क्या डिजाइन है स्पाइडर। कहा था ना हाथ मत लगाना। तुम ये खटारा चलाती कैसे हो माया? इसे तो भंगार में भी कोई नहीं लेगा। सिर्फ एक्सटीरियर में प्रॉब्लम है, इंटीरियर कंडीशन एकदम कड़क है। संभल कर। कार को या खुद को? डैडी, जस्ट अ मिनट। तुम कहाँ हो? ऑन द वे। प्लीज जल्दी आ जाओ, डैडी आ गए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा? वो हर घंटे मुझे फोन करके पूछते हैं तुम क्या कर रही हो बेटा। मॉम ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और डैड हाउस हस्बैंड हैं। बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके ओके ओके, जल्दी आ जाओ। बहुत तलब लग रही है। थैंक यू अंकल। ये लाइटर बर्थडे में कैंडल जलाने के लिए है। मगर कैंडल है कहाँ? बर्थडे आया कहाँ है? माया, तुम्हारा रूम तो अच्छा है लेकिन रूममेट अच्छी नहीं है। मेरी बात मानो तो उससे दूरी रहना। गाड़ी की कंडीशन तो ठीक ही लग रही है। गाड़ी तो ठीक है मगर पीछे ये क्या है माया? अब मैं क्या करूं? डैडी, एक्चुअली ये पापा को इतना चाहती है? कैसी चल रही है बेटा? शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तुम एंट्रेंस एग्जाम का सोच रही हो ना? डोंट वरी माया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यू आर द बेस्ट। तुम्हारी माँ तो खामखा टेंशन लेती रहती है कि तुम्हें एडमिशन मिलेगी भी या नहीं। और पता है मैंने क्या कहा? टेंशन की तो कोई बात ही नहीं, शी विल मेक अस प्राउड। मैंने ठीक कहा ना? यस डैडी। तुम आ रही हो? नहीं। आज कोकिला ताई इतनी शांत क्यों है? क्या बात है, अपने रॉकस्टार से मिलने नहीं गई? कूल। आ रही हूँ। तो आ जाओ। क्या बात है माया, कभी कहती हो मिलना है कभी कहती हो नहीं, इतना कंफ्यूजन क्यों है? मन करे तो आ जाओ वरना मत आओ। सिंपल। तुम्हारे लिए हर चीज सिंपल है क्योंकि तुम अपनी पसंद की जिंदगी जी रहे हो। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अगर तुम मेरी जगह होते तो समझ में आता। हे, बिना प्रॉब्लम बताए बिजली की तरह बरस क्यों रही? नहीं तो क्या करूं? जानते हो, मेरे पैदा होने के वक्त मेरा नाम रखने से पहले ही मेरे घर वालों ने नाम के आगे डॉक्टर फिक्स कर दिया। बचपन में फीडिंग सेरेमनी के वक्त सबने खाने के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी रख दिया। और मेरा बैड लक तो देखो, सब कुछ छोड़कर मैंने भी सीधा जाकर स्टेथोस्कोप पकड़ लिया। मेरी किस्मत ही खराब है।